हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर वन एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग जी हाँ दोस्तों ट्वेल्थ कॉमर्स साइंस आर्ट्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी हाँ दोस्तों प्रैक्टिकल हो या थियरी कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को बूस्ट कर सकता है तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां पर आपको इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज लगातार मिलते रहेंगे जी हाँ दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास स्का एजुकेशन ऐप अब तक नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए और वहां से स्का एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि वहां पर हम नोट्स अपलोड कर करते रहते हैं इसके अलावा हमारी इकोनॉमिक्स की ई बुक इकोनॉमिक्स ईजी एंड इफेक्टिव भी मार्केट में आ चुकी है और ऑनलाइन स्काई एजुकेशन ऐप पर आप इसे परचेज कर सकते हैं ये एक ई e बुक है तो डाउनलोडेबल या प्रिंटेबल तो नहीं है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में और पांच प्रैक्टिस पेपर्स भी इसमें दिए हुए हैं चलिए दोस्तों अब एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ते हैं और आज हम सॉल्व करते हैं एस नंबर थ्री जी हाँ दोस्तों ट्वेंटी मार्क्स की जब प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो ये एस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं चलिए हम देखते हैं आज के एस में क्या खास है लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकली कुछ भी करने से पहले एच का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एच टी एम एल हैड टाइटल टाइटल लिखो टाइटल क्लोज जैसे ही टाइटल क्लोज़ हेड क्लोज हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज एच टी एम एल क्लोज जी हाँ दोस्तों यही बेसिक स्ट्रक्चर आपको प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा हर जगह उपयोगी साबित होने वाला है और इसीलिए इस बेसिक स्ट्रक्चर को हर प्रोग्राम के दौरान याद रखिए और इसी से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की हमेशा कोशिश कीजिए मार्क्स जरूर मिलेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है एच टी एम एल है टाइटल टाइटल लिखो टाइटल क्लोज जैसे ही टाइटल क्लोज हेड क्लोज हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज एच टी एम एल क्लोज बढ़ते हैं आज के एस ओ पी की ओर जी हां दोस्तों स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स एसओपी नंबर थ्री क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग एच टी एम एल एंड सी एस एस कोड टू डिजाइन अ वेब पेजेस एज फॉलोस कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट है जहां वो कहते हैं द फर्स्ट वेब पेज विल एक्सेप्ट द नेम ऑफ द ट्रैवलर डेट ऑफ ट्रैवल टेलीफोन नंबर इट ऑल्सो हैज सबमिट बटन एज एन इमेज तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक फॉर्म बनाना है जहां हम यूजर से उसका नाम जानने वाले हैं ट्रैवल से रिलेटेड इसके अलावा वो कब ट्रैवल करने वाले हैं उसके लिए डेट और उसका टेलीफोन नंबर और एक सबमिट बटन भी हम डेटा कलेक्ट करने के लिए वहां पर देने वाले हैं इसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन है चलिए देखते हैं द सेकेंड वेब पेज यानी हमें दूसरा वेब पेज भी बनाना है द सेकेंड वेब पेज हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर टाइम सीट नंबर एंड डेस्टिनेशन डिस्प्लेड वन बिलो द अदर इन द फॉर्म ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट जी हाँ दोस्तों अब दूसरे वेब पेज पे हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के माध्यम से जहाँ हम यूज़र को डेटा सबमिट करने पर कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी देने वाले हैं जो अनऑर्डर लिस्ट में हम देंगे जिसमें नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर सीट नंबर डेस्टिनेशन ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड इन्फो इन्होंने दिया है वही हमें वहाँ पर डाल देना है खास बात यह है बोथ पेजेस शुड बी इंटरलिंक यानी हाइपरलिंक भी हमें करना है और क्रिएट एक्सटर्नल स्टाइल शीट विथ रिलेवेंट टैग्स तो बेसिकली दोस्तों यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल दोस्तों बहुत छोटा सा और सिंपल सा है लेकिन एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक नहीं दो फाइल्स क्रिएट करनी है साथ ही साथ उन दो फाइल्स के अलावा आपको एक एक्सटर्नल सी एस एस फाइल भी क्रिएट करनी है तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस प्रोग्राम को कैसे हम इस एस ओ पी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए एस ओ पी थ्री नाम का और उस फोल्डर में आपके पास कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सबमिट जेपीजी जी जी हाँ दोस्तों एक फोटोग्राफ आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से इस फोटोग्राफ को आप यूज़ करेंगे अपने फॉर्म के नीचे तो ऐसा एक फ़ोटो या कोई भी सिमिलर सा फ़ोटो आप सबमिट बटन के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा बिफोर यू एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकल अब आप दोस्तों आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको टोटल तीन फाइल्स बनानी हैं एक पेज वन दूसरा पेज टू और तीसरा एक्सटर्नल सी की फाइल ये तीन फाइल्स आपके कंप्यूटर में आपके फोल्डर में आ जाएंगी जैसे ही आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे तो बेसिकली मैं आपको ये शुरुआत में ही बता रहा हूँ कि आपको कुल मिलाकर के इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा जरा देख लेते हैं सबसे पहले पेज वन जो है इसके अंदर आप ट्रैवलर इंफॉर्मेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप यूजर से नाम पूछने वाले हैं उससे आप डेट ऑफ ट्रैवल जो है कैलेंडर के रूप में आप उस पर मांगने वाले हैं उससे कब ट्रैवल करना है इसके अलावा टेलीफोन नंबर एंटर करने के लिए आपने कुछ कीज दिए हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स दिया है आखिर में सबमिट का बटन है और यहाँ पर सबमिट जेपी भी आपने दिया हुआ है दोस्तों जब वो यूजर सबमिट पे क्लिक करता है तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है और ये दूसरा पेज जो है यहाँ पर हमने कुछ इंफॉर्मेशन दी है इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टर जिसमें आप देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ इन्फो दिया है जैसे नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर एयर एशिया टाइम नाइन थर्टी

असाइन कर पाएंगे चलिए अब एक एक करके कोडिंग को समझते हैं सबसे पहले पेज वन जी हाँ दोस्तों पेज वन की अगर बात करूं तो पेज वन का कोडिंग कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों इस कोडिंग में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ आपको ध्यान देना है बेसिक फॉर्म के जो अलग अलग टैग्स हैं वो कैसे हमें यूज करने हैं उस पर ध्यान देना है आपने अगर मेरा फॉर्म क्रिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर एक बार देख लीजिएगा तो आपको डिटेल में ये प्रोग्राम करने में आसानी होगी जी हाँ दोस्तों एच टी एम एल हेड टाइटल टाइटल लिखो टाइटल क्लोज मैंने यहाँ टाइटल दिया है इन्फॉर्मेशन फॉर्म टाइटल क्लोज किया अब यहाँ पर दोस्तों एक्सटर्नल सी एस एस क्योंकि हमें कहा है बनाने के लिए तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ लिंक टैग एक्सटर्नल सी एस एस में हम यूज करते हैं हमेशा तो यहाँ पर लिंक दे रहे हैं हम उस स्टाइल शीट की जो हम क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम होगा एक्सटर्नल डॉट सी एस एस या दोस्तों एक्सटर्नल डॉट सी एस एस हम क्रिएट करेंगे तो पहला नोट पैड जो होगा उसमें आप ऑलरेडी एक लिंक क्रिएट करेंगे विद द फाइल विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू सम डिज़ाइन एंड हेल्प यू इन स्टाइलिंग योर वेब पेज तो एक्सटर्नल डॉट सी एस एस नाम से आप एक लिंक दे रहे हैं अब हेड क्लोज किया बॉडी स्टार्ट सबसे पहले H1 यानी हेडिंग तो हेडिंग हमने दिया है ट्रैवलर इंफॉर्मेशन और क्योंकि ये हेडिंग हम सेंटर में चाहते हैं हमने यहां लिखा है H1 वन अलाइन इज इक्वल टू सेंटर ओके अब यहां पर हम फॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं फॉर्म टैग इज ऑलवेज यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म और हम यहाँ पर एक फॉर्म ही क्रिएट कर रहे हैं और इसीलिए फॉर्म टैग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है फॉर्म को नेम दिया है F1 आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसके बाद हम इनपुट टैग का यूज़ करते हुए कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेने वाले हैं जिसमें सबसे पहले एंटर योर नेम आप देख सकते हैं एंटर योर नेम अब लिखने के लिए जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी यूज़र कहाँ लिखेगा नाम तो उसके लिए वी आर क्रिएटिंग सम इनपुट फील्ड और ये इनपुट फील्ड होगी इनपुट टाइप से सिंटेक्स याद रखना होगा आपको कभी भी फॉर्म के अंदर यूजर को फील्ड प्रोवाइड करनी है तो इनपुट टाइप से आप दे सकते हैं यहां पे मैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखता हूं ताकि यूजर जो है टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिख सके इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं जिसमें नेम दिया है मैंने एंटर योर नेम को नेम के नाम से यहां पर हम पहचानेंगे ऑटो कंप्लीट यानी ऑटोमेटिकली कंप्लीट के लिए भी हमने यहां पर एक एट्रीब्यूट यूज किया है इसके अलावा दूसरा जो चीज है वो है सिलेक्ट डेट ऑफ ट्रैवल अब याद होगा अगर आपको तो

और फिर बढ़ते हैं आगे एंटर टेलीफोन नंबर हम चाहते हैं यूजर हमें टेलीफोन नंबर लिख कर दे तो उसके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेल ये एलिमेंट हम टेलीफोन नंबर के लिए यूज करेंगे याद करिए करें, यहां पर हमने नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया और फोन नेम यूज किया है अब दोस्तों यहां पर प्लेस होल्डर देना जरूरी होता है पैटर्न बताना जरूरी होता है कभी भी आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा फॉर्म एलिमेंट में जब हम पैटर्न यूज करते हैं तो हम स्पेसिफिक नंबर्स ही एक्सेप्ट करते हैं तो यहां पर प्लेस होल्डर बनाया है और और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो इस प्रकार के हमने जो है नंबर्स की डिमांड की यानी कुल मिलाकर दस नंबर ही एक्सेप्ट करेगा वो दस नंबर से ज़्यादा नहीं उसका कुछ पैटर्न होना चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर पैटर्न भी दिया हुआ है जैसे जीरो टू नाइन फिर थ्री फिर ज़ीरो टू नाइन और फोर नंबर इस प्रकार का हमने एक पैटर्न भी बताया है और ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है कंपलसरी फील्ड है तो इस प्रकार दोस्तों टेलीफोन नंबर एक्सेप्ट करने के लिए इतना सिमटेक्स हमें लिखना होगा जिससे हम यूज़र से आसानी से टेलीफोन नंबर एक्सेप्ट कर सकें सबमिट बटन आप यहां पर डाल सकते हैं आसानी से फॉर्म क्लोज होता है और अब हम देते हैं हाइपरलिंक जो हमें दूसरे पेज से कनेक्ट करती है जी हाँ दोस्तों ए एच आर ई एफ ये हाइपर लिंक देने के लिए होता है ए एच आर ई एफ पेज टू डॉट एच टी एम एल और यहां पर लास्ट में क्योंकि हमें कनेक्ट करना है विद जे पी जी हम यहां पर दे रहे हैं आई एम जी एस आर सी सबमिट डॉट जे पी ई जी जी हाँ दोस्तों ये फोटो का नाम होगा अगर आपके पास कोई और नाम से बटन है सबमिट बटन या जो भी आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है उसका नाम आप यहां पर मेंशन कीजिए उसकी विथ हाइट दे दीजिए और फॉर्म को क्लोज कर दीजिए तो इस प्रकार पहले पेज को आप कुछ ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं और फॉर्म आसानी से बना सकते हैं तो दोस्तों कुछ खास चीज़ें जो आप याद रखेंगे पेज वन के बारे में सबसे पहले लिंक आपको याद रखना है कि पेज वन का लिंक आप एक्सटर्नल सीएसएस के साथ देकर रखें इसके अलावा आपको दो अहम चीज़ें याद रखनी है हाइपर लिंक यानी एक हाइपर लिंक होगा जो इस पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करेगा तो यहां पर नाम आपको अच्छे से लिखना है पेज टू डॉट एच डी एम एल ताकि ये पेज पेज टू के साथ कनेक्ट हो जाए इसके अलावा आपको एक इमेज यूज करना है और वो इमेज का नाम आप आई एम जी एस आर सी के साथ लिखेंगे मेरे कंप्यूटर में सबमिट डॉट जेपी जी है तो मैंने वो लिखा है आपके कंप्यूटर में जो भी फोटो होगा उसका नाम आप यहां पर लिख देंगे बस ये तीन चीजें अहम हैं इनको मत भूलिएगा बीच का पार्ट मैं श्योर हूं कि आप आसानी से कर ही लेंगे क्योंकि यहां पर हम सिर्फ इनपुट टाइप और फॉर्म क्रिएट करने के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं तो चलिए अब बढ़ते हैं पेज टू के कोडिंग की ओर जी हाँ दोस्तों पेज टू की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत सिंपल सा कोडिंग है क्योंकि हम सिर्फ एक फॉर्म ही क्रिएट नहीं कर रहे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी कोडिंग उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सबसे पहला काम एच टी एम एल हेड टाइटल और हम एक टाइटल दे देते हैं इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टर तो ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन बेसिकली हम यहाँ पर देने वाले हैं फिर एक बार जैसा कि हमने पेज वन को लिंक किया एक्सटर्नल सी के साथ अब यहाँ पर पेज टू को भी हम लिंक करते हैं एक्सटर्नल सी के साथ तो सिंटेक्स बहुत सिंपल है लिंक रिलेशन रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट सी हमने एक सी फाइल क्रिएट की है जिसका नाम हाइपर लिंक इज इक्वल टू एक्सटर्नल डॉट सी ये कोडिंग आपको पेज वन में भी लिखनी है पेज टू में भी लिखनी है यह करने के बाद हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट और बॉडी के अंदर आप बेसिक हेडिंग यूज करेंगे सेंटर में जो होने वाली है इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है जैसा क्वेश्चन में बताया है कि आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में प्रेजेंट करना है तो यू एल इज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पर हमने लिस्टिंग एलिमेंट्स दिए हैं नेम ऑफ ट्रांसपोर्टर एयर एशिया जो भी हमें क्वेश्चन में डिटेल्स मिली थी वही हम यहाँ पर डाल रहे हैं और और ये पूरी लिस्ट बनाने के बाद ul क्लोज यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट विल बी क्लोज तो इतना सिंपल सा ये पेज टू है मेन चीज है ये लिंक जो आप एक्सटर्नल सीएसएस की दे रहे हैं और आखिर में आप इस पेज को भी फर्स्ट पेज के साथ लिंक करने वाले हैं जैसे फर्स्ट पेज इस पेज के साथ लिंक्ड है वैसे ये पेज पेज टू जो है ये पेज वन के साथ लिंक होना चाहिए और इसके लिए हम यहां पर कोडिंग लिख रहे हैं ए एफ इज इक्वल टू पेज वन डॉट एच टी एम एल और यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो पेज वन पर चला जाएगा बस ये सिंपल सी कोडिंग है मेन चीजें फिर एक बार मैं दोहरा दूं लिंक एक्सटर्नल सीएसएस का अनऑर्डर्ड लिस्ट और हाइपर लिंक फॉर पेज वन ये सेव कर दीजिए आप पेज टू डॉट एच नाम से अब बढ़ते हैं आखिरी चीज़ पर जो है हमारा एक्सटर्नल सी एस एस फाइल जी हाँ दोस्तों ये एक्सटर्नल सी एस एस फाइल बहुत सिंपल सा है लेकिन ये हमेशा अलग नोट पैड में आप क्रिएट करेंगे तो आप एक नया नोट पैड ओपन करेंगे और वहाँ पर आप ये तीन टैग्स बेसिकली यूज़ करेंगे मैंने यहाँ पर एच वन बॉडी का कलर और यूएल के लिए कुछ फॉन्ट यूज़ किए हैं तो ये तीन चीज़ें मैंने यूज़ किए हैं आप इसमें और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं मैं कोडिंग तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ आप अपने हिसाब से भी कोडिंग ट्राई कर सकते हैं मैंने यहाँ पर दिया है हेडिंग को कलर नेवी यानी थोड़ा सा ब्लूइश डार्किश कलर है मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स इसके अलावा बॉडी कलर रेड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने फॉन्ट फैमिली दी है अल्जेरियन तो इस प्रकार का कुछ जो है हमारा एक्सटर्नल सी है और इसी एक्सटर्नल सी से हमने पेज वन और पेज टू को लिंक किया है तो चलिए अब हम कुल मिलाकर के आउटपुट देखते हैं तो ये चार चीज़ें अंत में आपके फोल्डर में होनी चाहिए आफ्टर यू सेव ऑल द फाइल्स इन वन फोल्डर दीज फोर थिंग्स शुड अपीयर जिसमें आपने एक नोट पैड पे एक्सटर्नल सी एस एस की कोडिंग लिखी है एक नोट पैड पर पेज वन की कोडिंग लिखी है एक नोट पैड पर पेज टू की और एक सबमिट का जेपी जी फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए चलिए अब आउटपुट आप कैसे देखेंगे तो आउटपुट सिर्फ आप पेज वन का ही देखेंगे पेज वन पे क्लिक करते ही बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए अब जैसे पेज वन पे मुझे आ रहा है ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन ये नेवी में है प्रॉपरली और इसके अलावा बॉडी जो है वो रेड में है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नेम फिल करने वाला हूँ यहाँ पर डेट ऑफ ट्रैवल है यहाँ पर मैं एक रैंडम डेट ले लेता हूँ और यहाँ पर फोन नंबर और सबमिट का बटन है उसके बाद ये जे है जिससे आप दूसरे पेज पर कनेक्ट हो जाते हैं और दूसरे पेज पर कनेक्ट होते ही आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टर मिलता है वंस अगेन ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आप देख सकते हैं बुलेट्स के साथ जहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अल्जेरियन फॉन्ट में दी गई है आखिर में कनेक्ट टू फर्स्ट पेज जो एक और हाइपर लिंक है इस पर क्लिक करते ही आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो इस प्रकार ये आसान सा एस आप सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों होपफुली ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा डिस्क्रिप्शन में जो एस ओ थ्री की कोडिंग है उसे डाउनलोड कीजिए और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए वीडियोस के साथ तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब